हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीप इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे 10 आसान और मज़ेदार पहेलियां पूछेंगे जिनका जवाब भी बताएंगे। पहली एक, अगर 8 को आधा कर दिया जाए तो 0 और 4 के अलावा और क्या जवाब आएगा? इस पहेली का सही जवाब है 3। 8 बीच में काटे तो। अगली पहेली है, रमेश के पिता के 5 बच्चे भास्कर, नीरज, लोकेश, ललित, पांचवें का नाम बताओ। इस पहेली का सही जवाब है, रमेश के पिता यानी महेश पांचवा नाम हुआ। अगली पहेली है, एक टेबल पर प्लेट में 2 सेब हैं और उसे खाने वाले 3 आदमी कैसे खाएंगे बताओ। इस पहेली का सही जवाब है, एक टेबल पर है सेब और बाकी प्लेट में। अगली पहेली है, 4 और 4 मिलकर कब 8 से अधिक बनते हैं? इस पहेली का सही जवाब है 44। अगली पहेली है, एक कमरे में 400 आदमी थे, उसमें से 200 गए, अब बताओ कितने आदमी बचे? इस पहेली का सही जवाब है 400। अगली पहेली है, माना कि लड़की की उम्र 17 साल है तो बताइए उसके पापा का नाम क्या होगा? इस पहेली का सही जवाब है माना। अगली पहेली है, अगर कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति चांद पर जाता है तो उनका वजन कितना होगा? इस पहेली का सही जवाब है, 16.5% कम होता है उनका वजन। अगली पहेली है, आप खाली पेट कितने केले खा सकते हैं? इस पहेली का सही जवाब है, सिर्फ एक, क्योंकि एक खाने के बाद आपका पेट खाली नहीं। अगली पहेली है, ऐसा क्या है जिसके जमीन पर 4 पैर हों, 3 पैर जब वो आसमान में हो और 2 पैर जब वो पानी के अंदर हो? इस पहेली का सही जवाब है, वह बदक है। अगली पहेली है, अगर एक आदमी 10 रुपए में गंजा होता है तो बताइए 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? इस पहेली का सही जवाब है 0 रुपए में, क्योंकि वो पहले से ही गंजे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।